Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of public international law which is mentioned in our case mat. Case ka naam hai Abu Salem versus State of Maharashtra. Ye 2011 ka case hai. To chaliye ab is case ke fact, issue and judgment pe aate hain. Is case ke fact ye hai ki 1993 में मुंबई में एक सीरियल बम ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग 257 लोगों की मौत हो जाती है और इस सीरियल बम ब्लास्ट का जो मेन एक्यूजिशन है वो अबू सलीम पर लगता है। तो अबू सलीम जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुर्तगाल भाग जाता है। जब इस बात की जानकारी इंडियन गवर्नमेंट को लगती है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पुर्तगाल की सरकार से बात करती है और अबू सलीम को इंडिया लाने के लिए एक्सट्रैडिशन ट्रीटी पे साइन होता है और एक्सट्रैडिशन के माध्यम से अबू सलीम को इंडिया ले जाया जाता है। और ये जो एक्सट्रैडिशन किया जाता है अबू सलीम को वो किया जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग के माध्यम से। और इसमें बताया जाता है कि अबू सलीम पर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं और उस चार्जेस रिलेटेड पनिशमेंट के बारे में भी बताया जाता है। जब अबू सलीम को इंडिया लाया जाता है तो अबू सलीम पर जो है टाडा एक्ट भी लगाया जाता है और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के साथ साथ आर्म्स एक्ट भी लगाया जाता है। तो इस केस का इशू ये है कि जब अबू सलीम को कोर्ट ऑफ लॉ लाया जाता है तो अबू सलीम जो है कोर्ट ऑफ लॉ में ये क्लेम करता है कि उसके अगेंस्ट ट्रायल जो है सिर्फ टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन के अंतर्गत ही होना चाहिए, उस पर जो एडिशनल चार्जेस लगाए गए हैं टाडा एक्ट या फिर एक्सक्लूसिव सब्सटेंस एक्ट या फिर आर्म्स एक्ट ये सब नहीं लगने चाहिए क्योंकि ऐसे करने से एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट का वायलेशन होगा। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट और पुर्तगीज गवर्नमेंट इस बात से एग्री थी कि अबू सलीम ने कौन कौन से रिलेवेंट ऑफेंसेस किए हैं, साथ ही अबू सलीम का जो एक्सट्राडिशन हुआ है वो टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन के माध्यम से हुआ है और उस पर जो एडिशनल चार्जेस लगाए गए हैं वो लेसर पनिशमेंट के हैं यानी कि वो लाइटर पनिशमेंट के हैं जिससे टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन के माध्यम से अबू सलीम को इंडिया लाया गया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अबू सलीम पे जो एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए हैं वो पूरी तरह से परमिशेबल है अंडर एक्सट्राडिशन एक्ट और उस पर इस तरह का जो चार्जेस लगाना कोई भी इलीगल नहीं है यानी कि ये पूरी तरह से वैलिड है। और एज अ रिजल्ट जो है अबू सलीम का जो अपील होता है यानी कि रिट पटिशन होता है उसे सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देती है। तो इस केस के फैक्ट इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।